बकासुर संग्राम में जब दशरथ जी देवताओं का पक्ष लेकर युद्ध करने गए थे, ध्यान से सुने, जिसमें देवताओं का पक्ष लेकर दशरथ जी युद्ध करने गए थे, उसमें साथ में समरांगण में देवासुर संग्राम में महारानी कैकेयी भी गई। महारानी कैकेयी भी इसे सुनी हुई बात बता रहे हैं। बोले जब दशरथ जी को यह पता चल गया कि ये जितने बार बार उपद्रव हो रहे हैं असुरों को भेज भेज कर बालकों के ऊपर संकट आ रहे हैं, पहले हमने बालीला के प्रकरण में चर्चा की थी, ये सब रावण के द्वारा प्रेषित उपद्रव हैं। तो दशरथ जी क्रुद्ध हुए, बोले रावण को सबक सिखाना पड़ेगा। तो कैकेयी ने कहा कि आपको क्रोध क्रोध करने की जरूरत नहीं, रावण का काम तमाम मैं अभी कर देती हूँ। तो कहते हैं क्रुद्ध होकर श्री कैकेयी ने वाण निकाला, ऐसा भी वर्णन है। तब आकाशवाणी हुई, माता कैकेयी आपके पुत्र श्री राम जी के हाथ से इसकी मृत्यु का विधान है, आप विधान को मत मेटें, विधाता के विधान को मत मेटें, इसी में आपकी कीर्ति होगी, आपके पति की कीर्ति होगी, आपके पुत्र की कीर्ति होगी। कैकेयी ने कहा हे ब्रह्मवाणी, जो बाण मैंने संकल्प करके निकाल लिया अब वह वापस नहीं जा सकता। तो बोले उसी बाण से श्री राम जी रावण का वध करेंगे। और किसी कल्प की कथा में है कि हनुमान जी ने वह बाण कैकेयी माता से प्राप्त करके राम जी को दिया और छाणे सर 31 31वां बाण कैकेयी माता का, ऐसा भी वर्णन है। बड़ी वीरांगना कैकेयी। और उसी युद्ध में दशरथ जी के बाहुबल से देवता विजयी हुए, असुर परास्त हुए, पर उस युद्ध के बीच में युद्ध हो रहा था, कैकेयी जी ने भी युद्ध किया था, जिस समय दशरथ जी मूर्छित हो गए तो कैकेयी ने युद्ध किया, फिर दशरथ जी ने मूर्छा संभाला, तो उस समय उनके रथ की खील निकल गई, तब कैकेयी ने अपनी अंगुली डाल करके और उस रथ को के पहिए को बाहर निकलने से रोका था। आप लोग कहेंगे ऐसी कैसी उंगली कि इतने प्रचंड रथ के चक्र की खील की जगह उसको फंसा दिया गया और पहिया नहीं निकला और युद्ध में विजय हो गई, और उसी के बदले दशरथ जी ने दो वरदान मांगने को कहा कि तुमने युद्ध में मेरी प्राण रक्षा की, मेरे रथ की रक्षा की, दो वरदान का धरोहर के रूप में अपने पास रखो। तो इसके संबंध में एक कथा प्राप्त होती है कि श्री कैकेयी जब अपने बाल्यकाल में थी, उस समय भी बड़ी वीरांगना थी कैकेयी, उस समय एक समय की बात है, महर्षि दुर्वासा जी उनके घर में चातुर्मास्य करने के लिए पधारे, और कौन कहेगा चार महीने तक दुर्वासा जी को प्रसन्न रखकर उनकी सेवा, कैकेयी जी ने कहा हम प्रसन्न रख के सेवा करेंगे। और कैकेयी जी ने इतनी दृढ़ संकल्प वाली थी कैकेयी कि उन्होंने सेवा करके प्रसन्न कर दिया, प्रसन्न कर दिया। अब दुर्वासा जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देके जाने लगे, जाते जाते उनका कमंडल छूट गया, अब तो कोई बात नहीं, अब तो पैंट पजामा वाले गृहस्थी विद्यार्थी ये भी साधुओं का कमंडल हाथ में लिए घूमते हैं, लेकिन इसको हमारे यहाँ साधुओं में खड़ियापना कहा जाता है, क्या वो टकसाली नहीं माने जाते हैं, कमंडल गृहस्थ व्यक्ति छूता नहीं है, विधिवत विरक्त वेश ले लिया हो, संन्यास ले लिया, वो कमंडल स्पर्श कर सकता है, सबको कमंडल का पानी पीने का अधिकार नहीं, सबको कमंडल छूने का अधिकार नहीं, कोई नहीं होगा तो हमारा कमंडल हम उठाएंगे, हमको मरे गिरे नहीं खा, हम अपना कमंडल खुद उठाएंगे, लेकिन जैसा तैसा व्यक्ति कमंडल क्यों लेगा, साधु ले सकता है। अब दुर्वासा जी का कमंडल छूट गया,
तो कैकेयी माता, कैकेयी बालिका ही थी, वो जैसी आगे गए और उनको ध्यान नहीं था, हमारा कमंडल छूट गया। कैकेयी तेजी से दौड़ती गई, बाबाजी बाबाजी आपका कमंडल। बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वैसे बेटी बेटी दूसरा कोई छूता तो तुम्हें श्राप अवश्य दे देता, लेकिन तुमने हमारी भूली हुई वस्तु हमारे हाथ में ला करके दी, मैं आशीर्वाद देता हूँ जिस हाथ में तुमने कमंडल पकड़ा है वो हाथ तुम्हारा वज्र का हो जाएगा, किसी अस्त्र शस्त्र से कटेगा नहीं, उस पर कोई दुष्प्रभाव, वज्र का हो जाएगा। तो कैकेयी बाएं हाथ से कमंडल उठा के लाई थी, उनका बाएं हाथ वज्र का, दुर्वासा जी का वरदान उन्हें मालूम था, इसलिए उन्होंने अपनी उंगली डाल दी और रथ के पहियों को गिरने से बचा लिया। एक और कथा है, एक अंगिरा गोत्री ऋषि आए, बड़े तपस्वी थे, पहले राजाओं के यहां बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारते थे। क्यों पधारते थे? राजा थे इसलिए पधारते थे? नहीं, उनकी पात्रता ऐसी थी, वे राजर्षि थे। कैकेयी देश के नरेश राजर्षि, उनकी कथा उपनिषद में आती है। नमेस्तेनो जनपदो जनपदे नकदरियो नमद्यपा, ये अश्वपति जो कह रहे हैं वो कैकेयी देश के राजा हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मविद वरिष्ठ महाराजा होते थे, उन्हें राजर्षि कहा जाता था। वो देखने में राजा हैं, वस्तुतः वे ऋषि हैं। ऋषियों का आगमन होता रहता है। वे ब्राह्मण बड़े तेजस्वी तपस्वी ब्राह्मण थे। एक बार छोटी छोटी बालिकाएं खेल रही थी, कौतूहल सूझा, बाल जानकर अपराध नहीं होता है, कौतूहल सूझा, और उस कौतूहल में के बालिक बाल, क्या बात है भाई? हाँ, बालक बालक खेल रहे थे, छोटे छोटे बालिकाएं खेल रही थी, और खेलते खेलते उसी में बालक तो कुछ भी खेलते हैं, देखा होगा आपने, एक लकड़िया ही टेढ़ी सी लगे उसी को मोटर बना के टर्र टर्र करने लग जाएंगे, कुछ भी करेंगे, बालक तो बालक हैं, सब खेल उन्हीं का उसी में, कहो जूता का खाली डिब्बा ही उनको मिल जाए उसी को मोटर गाड़ी बना के चलाने लग जाए। बालक खेल रहे थे, खेलते खेलते बालकों ने एक दूसरे के मुंह में कालिक लगाई। कालिक जानते हैं ना, दीपक की जो लो जहाँ पड़ती उसे काली काली कालिक इकट्ठी हो जाती, कालिक ली, और बालक एक दूसरे के मुंह पर कालिक लगा रहे थे। वे अंगिरा गोत्री ऋषि लेटे थे, और बालिका कैकेयी को पता नहीं क्या कौतूहल सूझा, उन्होंने सोचा ये सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी पे और ये काला काला जैसे आजकल लोग हिजाब करा लेते हैं, तो देखें बाबा जी की सफ़ेद दाढ़ी काली हो जाएगी, तो पूरा मुँह और दाढ़ी पर वो कालिक पोत दी। वे तपस्वी ऋषि थे, वो जागे, उन्होंने देखा दर्पण सामने राजमहल, मेरा मुँह काला क्या, श्राप दे दिया उन्होंने के लिए, इसको कलंक लगेगा, इसने मेरा मुँह काला किया, इसको कलंक लगेगा। महाराज दुखी हो गए, भगवान बालिका है, अबोध है, इसको पता ही नहीं, तो खेल रही है, आपने इसको श्राप दे दिया इतना कठोर। तब महर्षि के नेत्र भराए, उन्होंने कहा कलंक तो इसको लगेगा क्यों मेरी वाणी से निकल गया है, लेकिन इसका कलंक संपूर्ण जगत को निष्कलंक बनाने वाले राम जी के चरित्र को प्रकट करने वाला, इसलिए बाद में कैकेयी की महिमा कम नहीं होगी, बढ़ जाएगी, तुम चिंता मत करो, बस आशीर्वाद। कैसी कैसी कथाएं, राम जी की कथाएं इतनी हैं, अब हमें तो सब याद नहीं रहता है, बहुत चीजें पढ़ी हैं, हमको खुद याद नहीं है, कभी कभी कोई बात याद आ जाती है। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।